खास करके मैं जो झूठी पार्टी है लालू जी की जो है झूठा पर है आधारित है, अब कौन सा उसको सही लगता है। आरक्षण पे वो झूठ बोले हैं, आजकल बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोले, आप जाइए बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो कर रहे हैं जोगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ से जिसको आप चोरी करते हो पैरवी करके हो, ये लड़का जाता है वहाँ जाके IAS बनता है, PS करता है, कहा पूरे संसार में बिहारी नाम कर रहा है, तो कैसे टैलेंटेड नहीं है, मैं कैसे मान लूँ भाई। देखिए कैसे सही, यहाँ बिहारी अपने ये क्या कहते हैं नौकरी नहीं मिल रहा है बिहारी को, कितना आदमी की यही जो नियमावली बना है, कितने आदमी की गर्लफ्रेंड भाग गई है, माँ बाप दबाए के बिना मर रहा है। सर आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना, हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर के बड़े भाई रामचंद्र प्रसाद यादव। सर आज आपने BJP ज्वाइन किया, क्या कुछ कहेंगे, क्या सोच करके किया सर? क्या आज आपने BJP को क्या सोच कर ज्वाइन किया? अरे मैं शुरू से राष्ट्रवादी ही हूँ, मैं आपको आप सुनती नहीं हो क्या, मैं कम्युनिस्ट से ला रहा हूँ, इलाका में कम्युनिस्ट को भगाया हूँ, JNU से भगाया हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भगाया हूँ, मेरी परिचय से होती थी कि कम्युनिस्टों का भारी दुश्मन है। आपके आपके छोटे भाई RJD में मंत्री हैं, आपको RJD से भी ऑफर मिला था? मैं नेशनलिस्ट आदमी हूँ, खास करके मैं जो झूठी पार्टी है लालू जी की जो है झूठा पर है आधारित है, अब कौन सा उसको सही लगता है। आरक्षण पे वो झूठ बोले हैं, आजकल बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोले, आप जाइए बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो कर रहे हैं जोगी, जोगी जी कहते हैं 35-40% मुस्लिम होने पर हिंदू का पलायन होता, वही बाबा साहब बोलते हैं 94% में, आप जाके देखिए पढ़िए उनको कि जहाँ तक मुस्लिम का बहुमत है हिंदू का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो ये लोग तक झूठ का राजनीति है, क्यों मैं झूठ का राजनीति करूँ, कौन उसका सही है, जो उसका मुद्दा है, अभी कोई मुद्दा है क्या महागठबंधन के पास, आप बताइए, आप पत्रकार हो घूमते हो, कोई मुद्दा है उनके पास, कौन सा मुद्दा है? बाबा साहब पर गलत बोलते हैं, आप जाके पढ़ो पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, उसका हिंदी विभाजन है, भारत का विभाजन हिंदी ट्रांसलेशन है, बाबा साहब खुद लिखे। सर जिस तरह से प्रोफेसर होकर चंद्रशेखर बयान देते हैं बिहार के शिक्षकों को लेकर, बिहार के युवाओं को लेकर, क्या ये शोभा देता है? क्या क्या बताइए ना, क्या कहा कि बिहार में युवा लोगों में टैलेंट नहीं है साइंस और मैथ? भाई टैलेंट वही तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ गोरखनाथ जी थे, विशिष्ट नारायण सिंह जी थे, ये हालांकि एकेडमिशियन नहीं थे राजेंद्र बाबू, लेकिन जीनियस तो थे वो, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ से जिसको आप चोरी करते हो पैरवी करके हो, ये लड़का जाता है वहाँ जाके IAS बनता है, PS करता है, कहाँ पूरे संसार में बिहारी नाम कर रहा है, तो कैसे टैलेंटेड नहीं है, मैं कैसे मान लूँ। यहाँ प्रोफेसर हसन अस्करी थे, नाम आपने सुना होगा, दो जेनरेशन पहले जो बड़े बड़े हिस्टोरियन थे, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, प्रोफेसर निजामी, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, आजकल वर्तमान प्रोफेसर इरफान हबीब के पिताजी थे, प्रोफेसर सतीश चंद्रा, सब उनके स्टूडेंट थे, प्रोफेसर नूरुल हसन जो बहुत मजबूत एजुकेशन मंत्री थे वो भी इनके स्टूडेंट थे, तो कैसे भी नहीं है बिहार को टैलेंट है। प्रोफेसर आर शर्मा को आप जानते होंगे, टैलेंटेड नहीं है तो वैसे लालू जी या नीतीश जी गए थे उसको पैर छूने के, आइए आप मेरे यहाँ VC बनाने का चेयरमैन बन जाइए, कोई जगह ले लीजिए। सर एक सवाल है कि बिहार में जिस तरह से शिक्षकों की बहाली को लेकर के संशोधन बार बार नियम में तो किए गए, लेकिन बिहार में से बाहर के भी लोगों को अब जो है बिहार में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के बाहर लोग भी शिक्षक में भर्ती ले सकते हैं, ये नियम सही है? भाई देखिए कैसे सही, यहाँ बिहारी अपने ये क्या कहते हैं नौकरी नहीं मिल रहा है बिहारी को, कितना आदमी की यही जो नियमावली बना है, कितने आदमी की गर्लफ्रेंड भाग गई है, माँ बाप दबाए के बिना मर रहा है, बच्चे को दिया था पढ़ने, ये लोग तो कहते थे 15 दिन में अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, 1 महीना में दे रहे हैं, 2 महीना में दे रहे हैं, हमारी सरकार हम तेजस्वी जी बोलते थे हम वचनबद्ध है नौकरी देने के लिए, क्या हुआ, कितना आदमी बच्चे को स्कूल में दिया था वापस ले आया, ये पहले बिहार की प्रॉब्लम तो समझो, बिहार में तो अपने बेरोजगारी है। नीतीश कुमार को भी बखूबी से जानते हैं, लालू यादव को भी जानते हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, पूरा होगा? कैसे पूरा होगा, महक क्वालिटी प्रधानमंत्री जो आदमी, आप सुनिए, इनके पास कभी वोट नहीं था, पता ना आप लोग समझे कि नहीं, यहाँ एक जॉर्ज फर्नांडिस के चेले थे, मैं गाड़ी खरीदा था, आया था औरंगाबाद होते हुए,
जिससे मैं डिवीजन हुआ था। मैंने पूछा अवधिया, नीतीश जी अवधिया हैं, जात के अवधिया कुर्मी हैं, अवधिया बेल्ट है औरंगाबाद। मैंने पूछा था किसके साथ हो, कहा मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। हमारे यहाँ डॉक्टर विनोद आनंद सिंह थे, यहाँ MLA भी रहे हैं, वो मुजफ्फरपुर से MP का चुनाव भी लड़ रहे हैं। वो हमको बोले रामचंद्र इधर सुनो, हम कहे क्या बात है, चाय पियो। हम कहे डॉक्टर साहब हम चाय नहीं पीते हैं। तो नीतीश बाबा को नहीं समझाते हो, हम कहे हमारी औकात है, कहे क्या बात कर रहे हैं। तो वो उसका सारा वोट बीजेपी में भाग गया है, सुनिए सारा वोट बीजेपी में भाग गया है। उसको सलाह दो बीजेपी में जाके अपने वोट को रोक लेगा। हम कहे हमारी औकात है कि आप जो आप जौहर साहब के चेले हैं, तो जौहर साहब के पास वो लोग गए थे, तब ये लोग जो है नीतीश जी को दबाव डाल के जौहर साहब बीजेपी में कि बीजेपी में को कमज़ोर हो, इनका वोट बैंक जो ट्रांसफ़र हो गया है वो रोके, इसलिए ये लोग बीजेपी से हाथ मिला। इसका अपना वोट कहाँ है जी? अभी कहाँ वोट है? आप तो आप देखती नहीं हो कुर्नी में इलेक्शन हुआ, गोपालगंज में हुआ, क्या हुआ? सब कहते थे नीतीश जी आया सब जीत जाएगा, ये हुआ क्या हुआ? अनंत सिंह जीते हैं, उसकी अपनी जीत है। कहाँ वोट बैंक है आप बताओ ना, कहाँ से वोट बैंक है आप बताओ? सपना पूरा नहीं हो पाएगा, विपक्षी एक जुटा गया जो अरे दैट इज इंटायरली इम्पॉसिबल टू कम ऑल दिस पॉलिटिकल पार्टीज ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म, दे वॉन्ट बी एबल टू गिव रेजिस्टेंस टू बीजेपी इवन इफ दे विल कम ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म। आप देखो कैसे संभव है, केरला में झगड़ा हो रहा है कांग्रेस CPM में, यहाँ झगड़ा हो रहा है बंगाल में, ममता कर रही है कि कांग्रेस है वो क्या कहते हैं कम्युनिस्ट हमको तंग कर रहा है, तो कैसे ये विपक्ष? एक तो संभव है भी नहीं, वही मैं आपको बोला, अगर है भी तो ये लोग ये इलेक्शन विल बी बिटवीन द पीपुल ऑफ इंडिया एज ए होल ऑन द वन हैंड एंड ऑल दिस पार्टी ऑन द अदर इवन इफ दे कम ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बड़े भाई रामचंद्र प्रसाद का, इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।